लाल बाजार थाने के सामने बीजेपी का धरना। सुकांता मजुमदार धरने पर बैठ गए हैं, लॉकेट चटर्जी भी धरने पर बैठी हुई हैं। आप देखिए कि किस तरह से, जिसे पहले से ही कहा जा रहा था कि राजनीतिक दल जो हैं इस पर राजनीति भी करेंगे, और यहां पर सुकांता मजुमदार भी धरने पर बैठ गए हैं, लॉकेट चटर्जी भी धरने में शामिल हुई हैं। हमारे साथ ओंकार इस वक्त और ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। ओंकार जी, देखिए सबसे पहले तो ये कहूंगा कि कोलकाता पुलिस के जो हेड क्वार्टर है लाल बाजार के सामने इस वक्त भाजपा के तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जब पुलिस की तरफ से उन्हें रोका गया तो वो धरने के लिए यहाँ पर बैठ गए। अर्जुन सिंह हमारे साथ है, अर्जुन जी से सीधा बात करेंगे। अर्जुन जी, आपका क्या कहना है, आज जो छात्र का जो प्रोटेस्ट था उसके बाद आपको क्या कहना है? पुलिस की तरफ से लाठियां चलाई गई, आंसू के गोले छोड़े गए, क्या कहना चाहिए? ममता बनर्जी की सरकार जो है वो खत्म हो चुकी है, वो अपना जो अस्तित्व है उसको बचाने में लगी हुई है। आज एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था छात्रों का, उसको भी उनको हजम नहीं हुआ, और आंसू गैस, लाठी, कहीं कहीं तो रबड़ बुलेट भी चलाया गया, और इस तरह से बेदर्दी से पीटा गया है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जबकि कहीं भी किसी भी तरह से न एक ईंट चल रहा था, न पत्थर चल रहा था, कहीं भी आपने, अब आप बाध करोगे किसी के मुंह में उंगली लगाकर उसका जीभ टानोगे तो उसका जवाब तो उसको मिलेगा ही। लेकिन ममता बनर्जी अपनी नैतिकता खो चुकी है और उन्हें पंगाल छोड़ देना चाहिए, पदत्याग कर देना चाहिए। आप लोगों की तरफ से हड़ताल बुलाए गए हैं पूरा 12 घंटे के लिए, ममता की सरकार अभी कुछ देर पहले ही घोषणा कर दी गई है नवान्यों से कुछ भी हड़ताल यहाँ पर नहीं होने वाला है। नहीं, ममता बनर्जी अपना काम कर रही है, हम अपना काम करेंगे, बंगाल की जनता हमारे साथ है, बंगाल की जनता जस्टिस चाहती है, बंगाल की जनता ममता बनर्जी को हटाना चाहती है। बंगाल की जो ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं बांग्लादेश की लड़ाई की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश की लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, मतलब बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को लोगों ने घर से निकाल कर भगा दिया, उसी तरह ये लड़ाई उस तरफ जा रही है। ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह के, बांग्लादेश यही होने वाला है। सिंह बहुत बड़ी टिप्पणी की है कि बांग्लादेश में जैसा हुआ है बंगाल में भी वैसे ही होने वाला है, यानी कि जैसे कि देखा गया है शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, उसी तरह ममता बनर्जी को भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल ओंकार, स्टूडेंट्स की ताकत और उनको मिल रहे पॉलिटिकल सपोर्ट के आगे दीदी क्या झुकेंगी, क्या कुछ उनका रवैया रहेगा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी।